हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो हम लोग लेकर आए हैं नया कोर्स जीएस पेपर 3, जो कि एमपीपीएससी मेंस 2021 और 22 दोनों के लिए सेम इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा सिलेबस आप लोगों को भी पता है चेंज हुआ है, तो वो चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ करेंगे जीएस पेपर 3 का यूनिट नंबर 9 पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने जो पहला का पहले सिलेबस था और अब सिलेबस था, दोनों का कंपैरिजन आप लोगों को दिखाया था। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी पार्ट 1। इसी तरह मैं एमपीपीएससी के सारे मेंस के जो पेपर हैं वो धीरे धीरे कवर करूँगी। तो एमपीपीएससी हमारा इस समय टारगेट रहेगा और यूपीपीएससी के एक दो वीडियो बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि उसका अभी हम मेन फोकस नहीं कर रहे हैं। 24 अप्रैल को प्री के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बाद हम इसको फास्ट करेंगे। जब तक अभी टाइम है तब तक हम जितना भी हो सकता है उतना सिलेबस यहाँ कवर करते हैं। एग्ज़ाम मुझे भी देना है आप लोगों के साथ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ वीडियो डालूँगी आप लोगों के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए, इसका वन पार्ट वन। तो हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो जो टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे उसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण की परिभाषा, इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक पढ़ेंगे, इसमें पर्यावरण के क्षेत्र पढ़ेंगे, पर्यावरण के आयाम पढ़ेंगे, और भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की क्या अवधारणा है, और विचारकों के अनुसार मानव पर्यावरणीय उपागम क्या क्या है। तो जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हम पूरा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पूरी चर्चा करेंगे, इसके जो भी हमारे बॉक्स में दिया हुआ है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आलतू फालतू की चीज़ पढ़ने से हमारा बस PhD नहीं करनी है सब्जेक्ट में। हमें सिर्फ नॉर्मली जो हमें दिया हुआ है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। और आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो उसी के बेस पे हम ये वीडियोस भी बनाएंगे और उसी के बेस पे भी करना है हम लोगों को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा। तो आप लोगों को भी जैसे सबसे पहले पता है, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण परि प्लस आवरण, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। चारों तरफ से किसी भी चीज़ को घेर लेना पर्यावरण कहलाता है। तो इसी को हम परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि समस्त जीवधारियों को चारों ओर से घेरे हुए जैविक और अजैविक पदार्थ और उनके अंतःक्रिया, मतलब कि जरूरी घेरना तो है ही साथ में, और उनके बीच कोई इंटररिलेशन भी होता है, उसको पर्यावरण कहा जाता है यहाँ पे। मतलब कि जैसे कोई भौतिक वस्तु है, पहाड़ है, नदियां हैं, और कोई जैविक वस्तु है जैसे कि पादप है, सूक्ष्मजीव है, इन दोनों के बीच क्या इंटर रिलेशन है, इसको हम यहाँ कहेंगे पर्यावरण। तो ये हो गई हमारी पर्यावरण की परिभाषा नॉर्मली। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य परिभाषा अगर हम लिखेंगे, वैसे आप ये परिभाषा याद करना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा आप याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 मार्कर में ये पूछा जा सकता है, कि पूछा गया भी है एक्चुअली, लास्ट ईयर्स के आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। तो उसके अनुसार पर्यावरण की परिभाषा के लिए, पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु, भूमि और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु, भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। तो जो परिभाषा होती है वो एज इट इज़ याद करनी पड़ती है, अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो किसी ने कही होती है इसलिए। और अगर आपको ये याद नहीं रहती है तो इसकी जगह आप ऊपर वाली परिभाषा लिख सकते हैं जो सामान्य परिभाषा दी गई है। पर्यावरण समस्त जीवधारियों को चारों ओर से घेरे हुए जैविक और अजैविक पदार्थ उनके अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जो जैविक और मान लीजिए ये जैविक पदार्थ है, ये अजैविक पदार्थ है, और उसके चारों तरफ से भौतिक पदार्थों ने घेरा हुआ है, और इसकी इससे सबकी आपस में अंतः क्रिया हो रही है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर पर्यावरण का नाम दे देते हैं। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण की परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप लोग।
चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण के घटक की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पर्यावरण के तीन घटक हैं, मेनली तीन घटक हैं। एक होता है यहाँ पे, सॉरी, एक होता है यहाँ जैविक घटक, यहाँ पे सेकंड होगा ऊर्जा घटक, सेकंड ऊर्जा का घटक होगा, और थर्ड यहाँ पे होगा भौतिक या अजैविक घटक। भौतिक या अजैविक घटक, यहाँ इंग्लिश में भी पूरा प्रॉपर नाम दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं इसे। जैविक जो घटक होता है उसको मेन वापस से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पादप, दूसरा जीव है, तीसरा है सूक्ष्म जीव। पादप, पादप जो अपने जो भोजन है वो खुद बनाता है, जीव जो होता है और सूक्ष्म जीव वो पादपों पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है ऊर्जा का जो घटक है वो सौर्य ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगी। और एक चीज़ और कहना चाहूंगी, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप पीपीटीज में या एज इट इज़ शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या इसे लिख लीजिए, तो ये पूरा आपके पेपर का जितना भी मैं कराऊंगी शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, जो पेपर से दो चार घंटे पहले आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब भौतिक घटक की बात करते हैं। तो भौतिक में तीन होगा, स्थलीय घटक, वायुमंडलीय घटक और ये जलीय घटक। स्थलीय घटक में आपका आ जाएगा मृदा, खनिज, शैल तत्व, स्थल, ये सारा यहाँ पे स्थलीय तत्व में आ जाएगा। और वायुमंडलीय घटक में गैसें, जलवाष्प, तापमान, हवाएं, बादल, वर्षा और भी जितनी चीज़ें आ सकती हैं इसमें आप लिख सकते हैं। जलीय घटक में आ जाएगा भूपृष्ठ जल, महासागर का जल और भूमिगत जल, तीन तरह के जल होते हैं, तो यहाँ पे जलीय घटक में तीन तरह के जल आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जैविक घटक की बात करती हूँ। तो अगर हम जैविक घटक को देखें तो ऐसा घटक जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैविक घटक कहते हैं। यहाँ मैं आपको ओरली अच्छे से समझा दे रही हूँ ताकि इस शॉर्ट फॉर्म को आप समझ सके कि इसमें लिखना क्या है अंदर। तो ऐसे घटक जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पादप, जीव और सूक्ष्म जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे, ऐसे। पादप किसे कहते हैं, जो जैविक घटक के तीन पार्ट्स हैं, पादप, जीव और सूक्ष्म जीव, तो पादप किसे कहते हैं। पादप जो होता है वो जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पादप जैविक संगठनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसी कारण इन लोगों को स्वपोषी भी कहा गया है और ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। मानव सहित अन्य जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे जो होते हैं ये पादप पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जीव की, हमने बात कर दी कि जिसमें जीवन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव को वियोजक भी कहा जाता है, वियोजक भी कह सकते हैं इसे, और ये मृत पौधे जैविक पदार्थों को सला गड़ा कर वियोजित करते हैं, जैसे इसे डीकम्पोजिशन करते हैं इसका सूक्ष्म जीव, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा के में हमने देखा कि दो घटक हैं ऊर्जा के, सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, दो घटक हैं। तो सौरिक ऊर्जा की बात करते हैं, तो सिंपल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सौरिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसी तरह ये जो ऊर्जा है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हम लोगों को प्राप्त होती है, सौरिक ऊर्जा जो होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ सौरिक ऊर्जा के बाद हम बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। इस ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्य रूप से जो पृथ्वी का कोर होता है उसमें उपस्थित उच्च तरल जो पदार्थ होता है उसकी मैग्मा से होता है इसका उत्पादन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक या जैविक घटक क्या होते हैं। तो भौतिक घटक के अंदर सामान्य रूप से स्थलीय घटक, वायुमंडलीय घटक और जलीय घटक आते हैं। ये अजैविक कारक जीवों की बनावट, जीवन चक्र, शारीरिक क्रिया, विज्ञान और व्यवहार पर ये सारे सारे प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि स्थलीय जो घटक होता है वो क्या होता है। तो इसके अंतर्गत मृदा, खनिज तत्व, शैल और स्थल रूप को भी सम्मिलित करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। मृदा भूपट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जो खनिज तथा आंशिक रूप से अपरदित कार्बन पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा इसी तरह खनिज की परिभाषा आप दे सकते हो, तत्व की दे सकते हो, शैल की दे सकते हो, तो ये स्थलीय घटक हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुमंडलीय घटक की। तो वायुमंडल से पृथ्वी
जो होती है वो चारों तरफ से विस्तृत गैसीय से घिरी हुई होती है, मतलब कि गैसों का जो आवरण होता है, जिस जो पृथ्वी को घेरे हुए होता है, उसे वायुमंडलीय घटक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडलीय जो होता है उसमें गैस होती है, जल वाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं, इन सभी का मिश्रण जो होता है वो वायुमंडलीय घटक होता है। और वायुमंडल में उपस्थित जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए ये सबसे आवश्यक स्रोत है, जो आप लोगों को पता होगा। बिना वायुमंडल के कोई भी जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम जलीय कारक की बात करेंगे, तो जलीय कारक के अंतर्गत भूपृष्ठीय जल आता है, महासागरीय जल आता है, भूमिगत जल को सम्मिलित यहाँ किया जाता है। और जल चक्र के रूप में हम देखेंगे तो पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा हमेशा समान रहती है, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, अगर हम जल चक्र के बारे में देखेंगे तो। तो ये आपको यहाँ पूरा समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगी आपके पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के आयाम, भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक संदर्भ में और विचारकों के अनुसार पर्यावरण के उपागम, और इसे मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगी कि क्या होती है डिटेल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे को आपसे टेस्ट पेपर के बारे में बात करनी है कि हम लोगों ने एक टेस्ट पेपर बनाया है जो कि आने वाले जो जून में एग्ज़ाम होगा यूपीपीएससी का, उसके लिए है ये। तो जो लोग यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 399 में 10 टेस्ट पेपर ले सकते हैं। तो जिसको भी लेना हो वो मुझे upsc.mocktests@gmail.com पर मेल करे, मैं उसको सारी डिटेल दे दूंगी। पेटीएम के थ्रू ये पेमेंट होगी, और 399 बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है 10 पेपर्स के लिए। तो आप लोग लेके ये अपना सॉल्व कर सकते हैं। पूरी एनालिसिस इसमें आपको पेपर की मिलेगी करने को, तो आप पूरी एनालिसिस के साथ इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।